नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर प्रतापगढ़ थाना आसपुर देवसरा अंतर्गत विकास खंड आसपुर देवसरा की ब्लॉक प्रमुख माधुरी यादव के पति सभापति यादव के घर गुरुवार को करीब 12 बजे पुलिस ने कुर्की की नोटिस चस्पा की। गैंगस्टर व आपराधिक मामलों में सभापति यादव के घर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। SDM की मौजूदगी में पुलिस सभापति यादव के राजेंद्र बालिका महाविद्यालय राजेंद्र बालिका इंटर कॉलेज सहित 3 विद्यालय में मौजूद डेस्क बेंच लाइब्रेरी सहित स्कूल में मौजूद वाहन व समस्त वस्तुओं का ब्यौरा जुटाई गई। उपरोक्त संपत्तियां उसके ज्ञात व वैध आय के स्रोतों से बहुत अधिक है। इससे स्पष्ट है कि अभियुक्त उपरोक्त द्वारा गिरोह बंद के रूप में आपराधिक समाज विरोधी क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप आर्थिक व अनुचित लाभ अर्जित करके उक्त संपत्ति बनाई गई है। सभापति यादव का नाम राजेंद्र प्रसाद यादव है। अर्जित संपत्ति ये 1,25,00,000 के करीब है और इसमें 3 विद्यालय बनाए गए हैं विभिन्न घाटों में और इनके ऊपर 50 मुकदमे लगे हैं और 14-1 की नोटिस दी गई है। उसी में जिलाधिकारी महोदय द्वारा 10-8 ये आदेश किया गया है 10-8 कि ये पूर्व करके पूर्व जिलाधिकारी को हमें अधिकृत किया गया है करके अपनी अध्यक्षता में और इसका उचित प्रबंधन के लिए ये कार्रवाई की गई जिलाधिकारी ये इसका ये किस तरीके से संपत्ति ने बनाया था, किस प्रकार का ये अपराधी है? ये इन्होंने ये जो घाटे हैं 7-8 घाटे हैं इनकी जमीन इन्होंने परचेज की। जिलाधिकारी प्रतापगढ़ महोदय के आदेश दिनांकित 30 जुलाई 2020 के क्रम में यहाँ पर उप जिलाधिकारी पट्टी की टीम आई है और इसका परिप्रेक्ष्य यह है कि मुकदमा अपराध संख्या 40/18 धारा 2/3 गंगेस्टर एक्ट थाना आसपुर देवसरा में प्रचलित था, जिसके तहत 14-1 गंगेस्टर अधिनियम की कार्रवाई की गई है। उसी संबंध में जिलाधिकारी महोदय का इस विनय का स्थित जो भूमि है जिसमें तमाम बिल्डिंग हैं विद्यालय खड़े हैं सबको पूर्व करने का आदेश दिया गया है और ये कार्रवाई इन्वेंट्री बनाने की कार्रवाई प्रचलित है। SDM मौजूद हैं। इस संबंध में जो विपक्ष जो पक्षकार हैं सभापति यादव इनके घर पे हमारे निरीक्षक देवसरा द्वारा नोटिस तामीला कराने हेतु वहाँ पर गए और CO पट्टी द्वारा वहाँ पर मुनादी भी कराई गई है। तो ये जो पक्षकार सभापति यादव हैं।